अनिका जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक तरफ उसके ऊपर कंपनी की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और वहीं दूसरी तरफ रियांश का एक ऐसा कर्ज अनिका के ऊपर चढ़ चुका था जिसे वो जल्दी से जल्दी उतारना चाहती थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कब राहुल को हराकर अपनी कंपनी को पूरा अपना कर पाएगी और रियांश से अपना पीछा छुड़ा पाएगी, लेकिन फिलहाल उसके पास जितना भी टाइम था वो सारा टाइम अनिका सिर्फ कंपनी को देना चाहती थी। वो एक भी मिनट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती थी जिसमें वो खाली बैठकर समय बर्बाद करे। वो बिजनेस के हर दाव पेच को सीखना चाहती थी। किडनैप होने के बाद अनिका ने मैनेजमेंट क्लासेस बंद कर दी थी। अनिका फिर से क्लासेस जाना स्टार्ट करने वाली थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो अपनी कंपनी पहुंच चुकी थी, तभी वहां मंदिता आ गई। उसे अनिका से थोड़ा काम था। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वो अनिका से बोली, अरे हाँ, शाम को 7 बजे हमें आज क्लब चलना है, तैयार है ना तू? मंदिता ने जैसे ही अनिका से इतना कहा तो अनिका को अचानक से रियांश की बात याद आ गई। वो मंदिता को टोकते हुए बोली, आज नहीं, आज मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है, हम कल चलते हैं ना। मंदिता अनिका को काफी अच्छे से जानती थी। वो अनिका के थोड़ा पास आकर बोली, तुझे रियांश के पास जाना है इसीलिए तू मना कर रही है ना, उसने फिर से तुझे जबरदस्ती बुलाया है ना। अनिका ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा कंपनी को लेकर उसे कुछ बात करनी थी इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मंदिता बिना कुछ बोले अनिका के केबिन से बाहर चली गई। अनिका अपने काम में बिजी थी, तभी उसे याद आया कि अमन आज ऑफिस नहीं आया है, इसीलिए वो कंपनी का एक राउंड मारने के लिए निकल गई। अनिका देखना चाहती थी कि सब सही चल रहा है या नहीं। वो अपनी केबिन से निकली थी कि तभी उसने देखा लिफ्ट के पास राहुल खड़ा है। वो किसी से बात कर रहा था। राहुल को भनक भी नहीं थी कि अनिका उसके पीछे आ चुकी है। राहुल फोन पर किसी से कह रहा था, तुम एक बार मुझ पर भरोसा तो करो जान, मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, और उस अनिका की तो मैं। इतना कहते हुए राहुल जैसे ही पलटा तो अनिका उसके सामने खड़ी थी। राहुल एकदम से डर चुका था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम यहाँ? तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी ना? सच में तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान तो कोई भी नहीं हो सकता। लोगों की बातें सुनना, लोगों के साथ चीट करना, यही तुम्हारा धंधा है? राहुल ने चिड़चिड़ाते हुए अनिका से कहा और वहां से चला गया। अनिका ने अपने मन में कहा, किससे बात कर रहा था ये? जितना मैं राहुल को जानती हूँ, राहुल की जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे जानता हो, उसके घर वालों के अलावा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अभी ये अपने घर पर किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे पता करना होगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर मैंने जरा सी भी लापरवाही की तो मैं अपनी कंपनी खो दूंगी। ये सोचते हुए वो ऊपर चली गई। उधर रियांश ऑफिस में कुछ मीटिंग्स कर रहा था। जैसे ही रियांश की मीटिंग खत्म हुई तो रियांश के ऑफिस की एक एम्प्लॉई धड़धड़ाते हुए रियांश के केबिन में आ गई। उस एम्प्लॉई ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरी बात माननी होगी। मेरी सारी फ्रेंड्स की डिमांड है कि आज रियांश सिंघानिया को क्लब मून लाइट में लेकर आना है, और मुझे पता है कि तुम मना नहीं करोगे। वैसे तो रियांश के ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉई की इतनी हिम्मत नहीं थी कि रियांश के केबिन में उससे बिना पूछे एंटर हो सके और ऐसे बात कर ले, शायद अमन की भी नहीं। लेकिन ये एम्प्लॉई इसीलिए खास थी क्योंकि ये रियांश के करीबी दोस्त अर्जुन की बहन थी। इसका नाम लिली था। लिली और रियांश ऑफिस के बाद बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक ही घर में रहने वाले दो सदस्य। लिली कभी भी रियांश को काम के बीच में नहीं टोकती थी, लेकिन आज वो कई दिनों बाद ऐसी डिमांड कर रही थी। रियांश ने एक मिनट सोचा और फाइल बंद करते हुए बोला, लिली आज मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज आज नहीं, मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ क्लब जरूर चलूंगा। लिली ने चुलबुले अंदाज में हंसते हुए कहा, देखो रियांश, मेरी बेस्ट फ्रेंड का आज बर्थडे है और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। मैंने उसे कहा है कि रियांश तुम्हारी पार्टी में जरूर आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। अब अगर तुम आज नहीं गए तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, और मैं भाई से भी बोल दूंगी। वो तो वैसे भी तुमसे आजकल नाराज है क्योंकि तुम उसका फोन ही नहीं उठाते। ठीक है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, एक अपनी सो कॉल्ड मीटिंग या अपने दोस्त। रियांश ने बिना किसी बहस में पड़े लिली से कहा, ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए, और वो भी लिली, मैं सिर्फ इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि तुम अर्जुन की बहन हो, नहीं तो तुम्हें मेरा जवाब अच्छे से पता था। लिली थैंक यू बोलकर वहां से जा चुकी थी। रियांश ने अपना फोन उठाया और अनिका को कॉल करने लगा। अनिका फिर से आज वही बड़ी गलती कर चुकी थी। रियांश के 3-4 बार कॉल करने पर भी अनिका ने फोन नहीं उठाया था।
अनिका जैसे ही वापस आई और उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उसके हाथ कांप गए। रियांश के 4 मिस्ड कॉल्स थी। अनिका ने तुरंत फोन मिलाया। फोन उठते ही वहां से रियांश की आवाज आई, हाउ सेल्फिश यू आर। जब तुम्हें मतलब होता है तो मुंह उठाकर मेरे पास चली आती हो, और आज तक मेरा फोन एक बार भी तुमने नहीं उठाया। मन तो करता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुम मेरे नाम से भी डरो। रियांश की आवाज इतनी तेज थी कि अनिका डर से कांप गई। कुछ बोलोगी भी या सिर्फ सांसें ही भरती रहोगी, रियांश ने चिल्लाते हुए अनिका से कहा। वो मैं राउंड पर गई थी, अनिका ने डरते डरते कहा। रियांश ने गुस्से में कहा, तुम राउंड पर हो या जहन्नुम में, मुझे बस इतना पता है कि रियांश सिंघानिया का फोन अगर दोबारा एक बार में नहीं उठा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी तुम? और आज रात मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मूड खराब कर दिया तुमने मेरा, रियांश ने गुस्से में इतना कहकर फोन काट दिया। दरअसल वो अनिका को बताना नहीं चाहता था कि वो क्लब जा रहा है। फोन कट चुका था और अनिका के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें साफ दिख रही थी। अनिका पूरी तरह से डरी हुई थी। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पूरा ही पानी पी गई। फिर वो 5 मिनट तक अपनी चेयर पर ऐसे ही बेसुध बैठी रही। उसे घबराहट हो रही थी। उसने फोन मिलाया और मंदिता को फोन करके कहा, आज शाम के लिए रेडी रहना, हम लोग क्लब चलेंगे। मंदिता ने अनिका से कहा, क्यों, अब तेरे मुंह बोले पति ने मिलने से मना कर दिया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, अनिका धीरे से मंदिता से बोली और फिर फोन कट गया। शाम होने को थी। अनिका ऑफिस से सीधे अपने घर के लिए निकल गई और घर जाकर उसने कपड़े चेंज किए और फिर मंदिता के बताए हुए क्लब मूनलाइट के रास्ते पर निकल गई। थोड़ी देर बाद अनिका और मंदिता क्लब लव मूनलाइट में बैठे हुए थे। मंदिता ने अपने लिए कॉकटेल ऑर्डर की और अनिका ने सिर्फ सिंपल जूस। मंदिता अनिका की तरफ ध्यान से देखते हुए बोली, तुझे नहीं पता कि तू कितना बदल गई है, तू बिल्कुल बोल्ड हो गई है और तुझे कोई हरा नहीं सकता। राहुल का बच्चा भी चाहे जितना हाथ पैर मार ले, लेकिन तेरे सामने बस एक मक्खी की तरह भिन भिन कर रहा है। कुछ दिन बाद उसका भी खेल खत्म हो जाएगा और तू बनेगी अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड की मालकिन। अनिका और मंदिता एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे कि तभी अनिका की नजर सामने एंट्री गेट पर पड़ी। सामने रियांश एक लड़की की कमर पर हाथ रख कर अंदर की तरफ आ रहा था। वो लड़की रियांश से काफी हंस कर बात कर रही थी और रियांश भी उससे हंस कर बात कर रहा था। ये रियांश का वही रूप था जिसकी एक दिन पहले अनिका कल्पना कर रही थी कि उसने रियांश को हंसते हुए कभी नहीं देखा। रियांश उसके सामने से हंसता हुआ जा रहा था। रियांश के साथ लड़की को देखकर ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों अनिका को फर्क पड़ रहा था। वो तिलमिला गई। उसने मंदिता को बातों में लगा लिया, क्योंकि मंदिता अगर रियांश को ऐसे देख लेती तो हो सकता था आज वो रियांश से गुस्से से भिड़ जाती। अनिका मंदिता से बात कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रियांश की तरफ था। उसने देखा वो कुछ लड़कियों के ग्रुप के पास जाकर बैठ गया। वो लड़कियां रियांश से गले मिल रही थी और उसको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे उन्होंने अपना ड्रीम बॉय देख लिया हो। मंदिता ने अनिका से कहा, क्या हुआ, तेरा ध्यान कहाँ है? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, कहीं भी तो नहीं, अच्छा बताओ क्या खाना है? जब अनिका ने वापस रियांश की तरफ देखा तो वो वहां नहीं था। ये अचानक कैसे जा सकता है, अनिका ने अपने मन में कहा। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, क्योंकि रियांश सिंघानिया ऐसे पब्लिक प्लेस में किसी लड़की की कमर पर हाथ रखकर घूम रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, अनिका ने मन ही मन सोचा। वो मंदिता से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से उठ गई और रियांश को ढूंढने के लिए अंदर चली गई। अनिका ने रियांश को हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। अनिका ने देखा स्मोकिंग जोन की तरफ एक आदमी खड़ा है जो पीछे से हूबहू रियांश जैसा लग रहा था और उसने रियांश जैसा ही कोट पहना था। अनिका समझ गई थी कि ये रियांश ही है। अनिका उस आदमी के पास गई जो कि शायद सिगरेट पी रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने रियांश से कुछ भी कहा तो उसे एक बार फिर रियांश के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी अनिका ने रियांश से पूछ ही लिया, वो लड़की कौन है और आप यहाँ क्लब में क्या कर रहे हैं? अनिका ने जैसे ही इतना पूछा तो वो आदमी अनिका की तरफ मुड़ा, लेकिन ये रियांश नहीं था। अनिका ने जैसे ही देखा ये कोई और है जो काफी नशे में धुत है, तो अनिका उसे सॉरी बोलकर वापस जाने लगी। तभी उसने अनिका का हाथ तेजी से पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटते हुए बोला, मैडम इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मेरे पास तो आओ। उसने जैसे ही इतना कहा तो अनिका ने भागने की कोशिश की,
लेकिन उसने अनिका को इतनी तेज पकड़ लिया था कि अनिका वहीं फंस चुकी थी। वो चिल्ला रही थी लेकिन म्यूजिक के शोर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।